दोस्तों मैं बिग जू पहुंच गया हूं और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे भाई बिग जू की कोई अपडेट दे दो। तो मैंने सोचा भाई अपडेट क्या, आपको सारा काम होता हुआ दिखाता हूं। वो देखो सुबह सवेरे मिस्त्री भाई आ गए थे, उन्होंने आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो वो ईंटे वगैरह लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये न्यू बनी है ऊपर, ये पूरी ये दीवार ऊंची कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले। तो यार आप मिस्त्री भाई से पूछ लेते हैं भाई कब तक हमारी ये दीवारें ऊपर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ट्रैक का काम स्टार्ट करना है और भी बहुत सारे काम है। मामू हम क्या क्या बनवा रहे हैं जरा आप भी बता दो। ये पहले प्लॉट का मुकम्मल कराएंगे ठीक है ना? फिर ग्रासी भी लगाएंगे, ग्रासी लगाएंगे, पौधे लगाएंगे ठीक है ना, लाइटिंग वगैरह। ये भाई बिग जू है बड़ा, इधर हर एनिमल्स हम लेके आएंगे। यहाँ पे ना हमने टाइगर लेने हैं ठीक है ना, जिराफा जितने भी बड़े हैं ना, इसलिए हमने बड़ी जगह इसलिए ली है कि यहाँ बड़े जानवर हैं। बड़े बड़े भाई, छोटे मोटे नहीं लेने, बड़े जानवर। मामू सही बोल रहे हैं। तो आप ना मिस्त्री भाई से भाई पूछ लेते हैं कब तक कंप्लीट। मिस्त्री भाई कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2 दिन लगेंगे भाई सिर्फ दीवार कंप्लीट होने में, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। चलो हो जाएगा काम, अब स्टार्ट हो गया। तो भाई कल है हमारे मुल्क की आजादी का दिन, मतलब कल वाले दिन 14 अगस्त को हमारा मुल्क ना आजाद हुआ था। तो मेरा ये ख्वाब था क्यों ना मैं इतने सारे ना 14 अगस्त वाले दिन परिंदे आजाद करूं, तो ये ख्वाब ना मैं आज अपना पूरा करने जा रहा हूं। वैसे तो पहले हम आजाद चीजें करते रहते हैं, लेकिन इस दफा ना कुछ ज्यादा चीजें लेके आजाद करेंगे। तो यहां तो हमने सारा काम देख लिया, मिस्त्री भाई भी काम कर रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं पेट मार्केट, वहां से लेते हैं बहुत सारे पेट्स, जो भी मिला, कबूतर, चिड़िया, जो भी मिला वो लेते हैं और उनको आजाद करते हैं। भाई जू बनाने में मामू को मेरे से ज्यादा जल्दी है, कभी मिट्टी के पास आके देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, भाई कह रहे हैं इधर रूम बनाएंगे हम, यहाँ ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे। मामू पहले एक काम करते हैं, पेट मार्केट जाना है। अच्छा, तो बहुत सारे पेट्स लेके आजाद करने हैं आज कल, आपको पता 14 अगस्त है। बस हाँ ये तो हो गया, मिस्त्री मजदूर सब लगे, ये तो होता रहेगा। चलते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। तो भाई मैं आ गया हूँ मिनी जू और मैंने आते ही क्या देखा है, सौरों का सौरों इधर तालाब बना हुआ है, क्योंकि मोटर घर वाले बंद करना भूल गए हैं और सारा पानी इधर आ गया। टोमी तू मेरे पास क्या करने आ गया, हट जा। आज दोस्तों बहुत ज्यादा काम है, सबसे पहले तो हमने ये करना है यहाँ से उठाने केज, जिसमें हम कबूतर और चिड़िया वगैरह ले आएंगे आजाद करने के लिए। मामू ऐसा करते हैं ये वाले ना दोनों केज खाली कर देते हैं, कबूतरों को भी बाहर निकाल देते हैं और चकोरों को भी, ठीक है। फिर जब आजाद कर लेंगे ना ये केज दोबारा इन्हीं के लिए यही रख देंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं ना अपने इन वाले कबूतरों को बाहर निकालने वाला हूँ। चलो भाई आ जाओ, केज हमें चाहिए, केज चाहिए। आराम से ऊपर जाओ। ओहो हो, तुम भी चले जाओ अपने दोस्त के पास। मामू आप जल्दी से ये वाला केज खाली करो, ये केज तो भाई मैंने खाली कर दिया। ओ भाई डॉग्स को देखो कितनी इंजॉय कर रही हैं पानी में, भाई ये कह रही हैं तालाब बनाओ हमारे लिए, हम इधर भागें उधर भागें, इनके मजे हैं भाई पानी में। ये देखो क्या कर रहे हो तुम। फाइनली मामू ने दोनों केज रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको लेके जाएंगे पेट मार्केट और इनके अंदर हम लेके आएंगे पेट्स जो हमने आजाद करने हैं। मामू क्या सोचा, क्या लेके आए आजाद करने के लिए? चलते हैं वहाँ देखते हैं, जो चीज अच्छी होगी ठीक है ले आएंगे, आजाद वाली जो मतलब आजाद रहने वाली। यही रुको भाई, एक चीज तो मैंने आते ही देख ली जो लेनी है, वो वाली मामू देखो ऊपर जो चिड़िया है, वेरी गुड, येलो ये तो डिफरेंट नजर आ रही है और चिड़िया से तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये पता नहीं जंगली है बड़ी, जंगली है बड़ी। हाँ एक निकाल के दिखाना भाई, ये चिड़िया ये देखो ना, ये जंगली है ना आजाद करने वाली, आजाद करने वाली। बस ठीक है, इस केज में डालो ना जितनी भी पड़ी है डाल दो। दोस्तों भाई के पास जितनी भी चिड़ियां पड़ी थी ना, हमने बोला है अब हमारे केज में डाल दो तो हम सारों को आजाद करेंगे घर जाके। और ये तो डाल रहे हैं, मैं आगे जाता हूँ कुछ और देखता हूँ कबूतर वगैरह। मैंने मार्केट में से ना आज जंगली कबूतर ढूंढने हैं जो जंगली हों। यहाँ भी नहीं पड़े, यहाँ भी नहीं पड़े, यहाँ कुछ पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये देखो ना इस टाइप के। तो भाई ये हैं पड़े जंगली कबूतर, देखो मेरे से कितना डर रहे हैं। तो ये आजाद वाले होते हैं, इनको ही आजाद करते हैं, ये फिर बाहर जाके अपना घूमते फिरते रहते हैं, खुद ही खुराक ढूंढ लेते हैं। ये कबूतर आपके हैं? हाँ जी। कितने हैं ये? ये 13 हैं पड़े, और ज्यादा नहीं पड़े? नहीं। बस यही हैं? तो भाई ये कह रहे हैं हमारे पास 13 ही पड़े हैं, मैंने बोला सारे दे दो, ठीक है मैं केज लेके आ रहा हूँ सारे दे दो। मामू ने चिड़िया भी ले ली सारी की सारी जितनी भी पड़ी थी, और यहाँ मामू कबूतर ले लिए जंगली, हाँ उनको भी आजाद करते हैं ना। चलो भाई डाल दो इसके अंदर सारे के सारे डाल दो, सारे के सारे कबूतर ना हमारे केज में आ रहे हैं, नीचे भी खाली ऊपर भी खाली,
तो अब हम जाएंगे मिनी जू और सबको आजाद करेंगे। और एक चीज एक और भी आ रही है, मैं आपको ना वो मिनी जू जाके बताऊंगा, वो भी हमने आजाद कर लिया। ये केज काफी भारी हो चुका है, मामू पकड़ो जरा, बहुत भारी हो गया, बहुत वजन है इनका। चिड़िया भी ले ली और कबूतर भी ले लिए, और कुछ भी ले मामू? अभी फिलहाल ये लेते हैं, कल एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कल वो लेंगे। ठीक है चलो ठीक है। और एक कमाल बात किया ईगल वाले भाई ने, तो हमने लिए 13 कबूतर। तो ये बोले भाई 14 अगस्त के लिए आप आजाद करो तो पूरे 14 करो, इनके पास एक पड़ा था, तो वाकई सही बोला आपने। चलो अब 14 पूरे हो गए, 14 अगस्त। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। ये सॉरी की सॉरी स्पैरो ना बाहर निकलने के लिए बेताब है, ये बोलिए भैया हमें अभी जल्दी से आजाद कर दो। रख दो मामू, यहीं रख दो भाई। इनको लेके आना ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतना वेट है इन कबूतर वाले पिंजरे का। ये फिर भी सही है, हमारी चिड़िया उनको इतनी बाहर निकलने की। ओ गई मामू, चिड़िया निकल रही है, पता नहीं। हाँ हाँ, एक निकली है मेरे सामने, यहाँ से निकल रही है यार। और पीछे से आमिर भाई भी आ गए। आमिर भाई क्या हाल है? ठीक हो? तो भाई जो हम कबूतर जंगली ले आए ना, वो बहुत ज्यादा काम थे, इसी वजह से ना मैंने आमिर भाई को बोला हमें ना जो ये दूसरे वाले कबूतर होते हैं ये चाहिए, इन्हीं के साथ ही उनको आजाद करेंगे। इनको भी करेंगे, जंगली कबूतरों को भी करेंगे, और दूसरा स्पैरोस को भी करेंगे। ले आए आमिर भाई, ले आए जल्दी से। सिम्बा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सामान आ रहा है। चलो ओ भाई ले आओ ले आओ ले आओ, सारा कुछ ले आओ भाई। ये देखो भाई कबूतर आ रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। रख दो सारा कुछ इधर ही रख दो। इन सब चीजों को आजाद करने के बाद हम अपने इन डक्स के बच्चों का नाम रखेंगे अच्छा सा। मुझे पता है आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो मैंने एक डिसाइड सुबह ही कर लिया था। अरे भाई चुन्नू मुन्नू के काम देखो, कबूतरों की गर्दन खाने का सोच रहे हैं। चुन्नू मुन्नू हट जाओ, खाने की चीज नहीं। दोस्तों एक मसला हो गया, जितने भी हम कबूतर लेके आए ना उन सब के पर बंधे हुए हैं। तो ये तो मुझे आमिर भाई ने बताया, भाई इनके पर बंधे हुए हैं। तो आप खोल रहे हो? हाँ जी। चलो खोलो खोलो, सही है। मामू बोल रहे हैं भाई आप सब कुछ 14 अगस्त के लिए कर रहे हो, अपनी आजादी के लिए कर रहे हो जो हमारे मुल्क की हुई थी, तो ये झंडा तो पहनना बनता है। मामू कह रहे हैं तू अपने बैक साइड पे पहन, मामू बोल के खुद ही पहना रहे हैं। सही लग रहा है वैसे या नहीं लग रहा? लग रहा है, मुझे लगता है हमारा मकसद ही आजाद करना, आजाद करना है। अब हम पाकिस्तान का झंडा पहन के सब चीजों को आजाद करेंगे। ओए कबूतर निकल रहे हैं, ओ कबूतर निकल गया यार, इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा। ख्याल करो यार, पहले निकाल रहे हो आजादी से पहले तुम। भाई मैंने वैसे भी आजाद करने थे, तो कुछ नहीं होता, निकल गया तो कोई नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं ना ये वाले कबूतर आजाद करूंगा, ये डब्बे के अंदर जितने भी हैं, मैंने इनको खोलना है। इन्होंने भाई भाग जाना, उड़ जाना है, और उसके बाद चिड़िया वगैरह तो फिर एक एक करके आराम से। चलो भाई मेरे से पहले, ओ ये खुद ही आजाद हो रहे। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, शाबाश, अब इनकी बारी है। चलो आजाद हो आज से तुम भाई, काफी मजा आता है आजाद करने में, देखो। चलो चलो अब बारी है दोस्तों हमारी चिड़ियों की, जो के बहुत ही तेज है। कहती है हमें पहले छोड़ो, मैंने सिर्फ गेट खोलना है, इन सब ने उड़ जाना है। ओ गई वही, बहुत स्पीड है इनकी उड़ने में ना। चलो भाई चलो, आजाद आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। एक भी नजर नहीं आई कहाँ गई, सॉरी भाग गई है। वो लास्ट बैठी है, मुझे लगता है इसका दिल नहीं कर रहा जाने का, वो यही बैठी है। वो भी गई भाई साहब, ये क्या हो गया? कुछ चिड़िया इधर आके बैठ गई हैं रियो के साथ। हेलो उड़ जाओ तुम, आजाद हो यार, मैं खुद इनको आजाद करता हूँ। चलो आ जाओ, फाइनली उड़ गई हैं। मुझे लगता है इनका दिल ही नहीं था मिनी जू से जाने का। दोस्तों अब बारी है अपने जंगली कबूतरों को आजाद करने की। चलो भाई तुम आजाद होने वाले हो अभी। भाई इनका गेट खोल दिया, अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते। अब ये खुद ही निकलते जा रहे हैं, वो देखो सारे के सारे ना उस जगह पे जाके बैठ गए, एक एक करके सारे के सारे चले गए। वो हमारी स्पैरो यार बिग हाउस में कैसे चली गई, पता नहीं अंदर कैसे आ गई है ये देखो स्पैरो, पता नहीं बिग हाउस में कैसे आ गई है, एक ये और एक वो। कैसे हुआ ये मामू? ये वो बच्चे ने दरवाजा खोला होता ना, अचानक अंदर घुस गए, वो मतलब आजाद होने के चक्र में अंदर आ गई है। दोबारा हम इनको आजाद कर देते हैं, अब हम दोबारा आजाद कर देते हैं इनको। पकड़ यार सुभान, आराम से
यार एक तो पकड़ी नहीं जा रही है, कहती है हम बिग हाउस में ही रहना चाहती हैं, हम नहीं भागना चाहती यहाँ से। पकड़ ली सुभान ने, चलो मुझे दिखा यार आजाद, दोबारा छोड़ दी। काटती है ना ये, बड़ी जालिम है भाई। तुम्हें आजाद करने वाले हैं, आ जाओ हमारे हाथ में। ओ तेरी, पकड़ ले पकड़ लिया। क्या काट रही है ना ये देखो। ओ हो यार, जंगली बंदे इनको कैसे पकड़ते होंगे। सबर कर, मैं तुझे आजाद करता हूँ। रुक। अभी दोस्तों इसकी जिंदगी सवरने वाली है, ये घूमेगी फिरेगी जाएगी। ओ गई। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमें आउट ऑफ सिटी से मतलब किसी और शहर से ना सब्सक्राइबर मिल रहे हैं बहुत दूर से। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? तो इतनी दूर से आए हैं, आपकी मोहब्बत है, आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं। तो और कुछ खाना पीना चलेगा? नहीं शुक्रिया। चलो ठीक है, कैसा लगा मिनी जू आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वीडियो देखते हैं। अभी तो भाई बिग जू बन रहा है, वो वाला देखना है। बिग जू हमने देखा है, वो तो काफी वो बड़ा है, ये तो छोटा मोटा सेटअप है ना, वो बहुत अच्छा बनेगा। यार हमने ना सिम्बा को ना सिर्फ आजादी के लिए अंदर बंद किया था, अब तुम भी आजाद हो। आओ आओ सिम्बा, अब तुम भी आजाद हो। बहुत तंग कर रहा था पहले, हम इसी वजह से इसको बंद कर गए थे। टाइम आ गया अपने डक्स बेबी है ना, जो उनका एक तो नेम रखना है और दूसरा उनके लिए पूल बनाना है छोटा छोटा। तो मामू ना पूल उनके लिए बना रहे हैं। मामू पानी डाल रहे हैं, अभी आके मजे से नहाएंगे, देखना। अरे 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 मामू, वो घुस गए। हाँ ना, खुद हम नहाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक माइंड में मेरा नाम है, बताऊं? कोको मोको। ओ, ये तो सही है, का भी बड़ा फेवरेट चीज खाने की भी है। और कोको मो, वो कोको मो होते है ना, ये है कोको मोको। तुम्हारा आज से नाम है कोको मोको, ठीक है? कोको मोको जब से सुपर केज में आया ना, हमारे पैरट्स नीचे नहीं आते, मुझे लगता है इनसे डर रहे हैं। ओ दोस्तों, मैं समझ रहा था पैरट्स इनसे डर रहे हैं, लेकिन नहीं डर रहे, इनके साथ ही डाइट खा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है भाई। भाई मुझे तो खुशी है, ये आपस में मिलजुल के खा रहे हैं। वलीद भाई इधर आओ। क्या हुआ सुभान? आपके लिए खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है यार? आप बॉक्स चेक करो पहले, ये वाला। हाँ आप चेक करो, मेरी जगह आप चेक करो। देखते हैं दोस्तों, पता नहीं कौन सी खुशखबरी है मेरे लिए, तो सुभान ने इतनी दूर से मुझे बुला लिया। ओ भाई अंडे। हाँ जी यार, ये तो खराब लग रहे हैं। आपने ना वो इन केज के अंदर, इनके ना बॉक्स के अंदर बूरा वगैरह नहीं डाला, जिसकी वजह से अंडे खराब हो रहे हैं। तो बूरा ले आते हैं ना यार। चलो आओ दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ना ब्रीड शुरू कर दी है, मतलब अंडे देना शुरू कर दिया, ब्रीड फिर होगी ना। तो अब जल्दी से ऐसा करते हैं, इन सारे लोटकियों के अंदर ना बूरा डालते हैं। बूरा किधर? हाँ, पड़ा है उधर, पड़ा है आपके जो मुर्गी। हाँ हाँ, वहाँ से ले आओ जल्दी। सुभान को मैंने भेज दिया, तो वो बूरा लेके आएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे ताकि अंडे खराब ना हो। आ जाओ सुभान, जल्दी आओ लेके बूरा। वो सिम्बा समझ रहे कोई खाने की चीज है। सिम्बा बस करते, इतना तंग ना किया कर, बहुत तंग करता। ये देखो, बंद करो जल्दी से ना यार, सारों के सारी लोटकियों और इनके अंदर ना आप बूरा डालो। भाई पैरट की ब्रीड तो मैं लेके रहूंगा भाई, बच्चे निकलवाने हैं लाजमी। ये आप सुबान सही कर रहे हैं, वो जो खराब वाले अंडे हैं वो किधर हैं? उनको पड़े रहने दो, पड़े रहने दे। हाँ हाँ सही है, वो खुद तोड़ देंगे, खुद ही वेस्ट कर देंगे। और दोस्तों आज का वीडियो भी एंड करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज।